इस वाले कमरे में होंगी। गौरी तू यहाँ क्या कर रही है? आप कहाँ थी दी? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, आपको कोई आता पता ही नहीं है। वो थोड़ा आज काम ज्यादा था तो चल चलते हैं। हाँ चल, खत्म हो गई। मेरा सर अभी भी घूम रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौरी त्रिवेदी प्रेजेंट्स स्पेशल आंतरिक परिचय। थैंक यू। और तू खुद बता रहा है या हमें पूछना पड़ेगा? क्या कि कल रात हुआ क्या? बताइए ना दी, क्या हुआ था कल रात को? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अनिका मेरे रूम में, मेरी बाहों में कब कैसे आए? मुझे खुद भी कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं शिवाय के रूम में उनकी बाहों में क्या कर रही थी? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए हनीमून पैकेजेस शॉर्टलिस्ट किए, इसे देखो और फाइनल कर लो। और हाँ, तुम्हें जो भी जगह पसंद आए ना, हम वहीं जाएंगे। सच? डील। वैसे तुम्हारी वेडिंग प्लानर नहीं दिखाई दे रही आज। वो तो आती हो। लो आ गई। हाय अनिका, और तुमने मैंने जो गेस्ट लिस्ट फाइनल की है वो देख ली? हाँ मैंने देख ली। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो तुम? कल रात मैं अपना फोन शायद यहाँ भूल गई थी तो बस उसी ढूंढ रही हूँ। तुम कल रात सबसे आखिर में कहाँ गई थी? ये मेरा कमरा है। वो शायद मैं पूल साइड पे थी, मैं वहां चेक करके आती हूँ, शायद वहीं पे रखा होगा मैंने अपना फोन। आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं, मतलब कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच। कल रात जो भी हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कल रात क्या हुआ। मुझे भी कुछ याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कुछ गलत नहीं हुआ होगा। तो जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं। जो कुछ याद नहीं है तो भूलेंगे कैसे? वो भी है। लेकिन एक बात बोलो, भूल जाते हैं। अच्छा एक बात और, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कल रात तुम मेरे कमरे में थी। अनिका कल रात शिवाय के कमरे में? बाय गॉड की कसम, ये तो बहुत ही मसालेदार न्यूज है। और हाँ, ये तुम अपना फोन मेरे रूम में भूल गई थी। मैंने तो तीर अंधेरे में छोड़ा था, मुझे नहीं लगा था कि ये तीर जाके निशाने पर लगेगा। बाय गॉड की कसम, अब आएगा असली मजा। ओके। सबसे पहले तो मैं साउथ एशिया टेक एलाइन फोन करके दक्ष की ट्रैवल डिटेल निकालती हूँ। हेलो साउथ एशियाटिक एयरलाइन जी, मैंने आपको कल फोन किया था मिस्टर दक्ष कपूर की ट्रैवल डेट के बारे में पूछने के लिए। जी लंदन टू मुंबई। हाँ मैं आ सकती हूँ एक घंटे में। ठीक है एक मिनट, आप मुझे प्लीज एड्रेस के साथ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? हाँ एक सेकेंड जी, बताइए। हाँ ठीक है, मैं पहुँचती हूँ एक घंटे में। थैंक यू।
अनिका चलो ना मेरे साथ, तुम्हें लेंगे की फिटिंग्स दिखानी है। अभी? हाँ, क्यों बिजी है क्या? मुझे कहीं जाना था। 5 मिनट का तो काम है, फिटिंग्स देख लेना फिर चली जाना, प्लीज चलो ना। अच्छा तुम मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे, बाय गॉड की कसम इस खेल में तो अब बड़ा मजा आ रहा है। साउथ एशियाटिक एयरलाइंस। हाँ शक्ति सिंह ओबरॉय है, मेरी मॉम को चीट किया, उनका दिल तोड़ा, शादी जैसे रिश्ते का मजाक बना। मैं यहाँ रोज रोज सारी दुनिया से, प्रियंका से, यहाँ तक खुद से झूठ बोलता है आपकी मौत की सच के बारे में। वाओ, इतना सनसनीखेज वीडियो। ये वीडियो तो वायरल भी हो सकता है। इस वीडियो ने तो मेरा खेल आसान कर दिया। अनिका तू तो गई। मेरी मॉम को चीट किया, मैं यहाँ रोज रोज सारी दुनिया से, प्रियंका से, यहाँ तक खुद से झूठ बोलता है आपकी मौत की सच के बारे में। सर मैं इन्हें ले आया। वो वीडियो तुम्हें कहां से मिला? कमाल है मिस्टर रोबर्ट, ना हाय ना हेलो, ना आइए ना बैठिए। मैंने पूछा वो वीडियो तुम्हें कहां से मिला। चलिए छोड़िए, आप तो बैठने के लिए पूछेंगे नहीं, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। How dare you? वक्त मिस्टर ओबेरॉय, ये वक्त ना, ये वक्त किसी का सगा नहीं होता, आज वक्त मेरा है। कीमत बोल। जिस सच को दबाने के लिए ओबेरॉय ने क्या कुछ नहीं किया, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्टैक्ट्स, सब इस्तेमाल कर दिया, और फिर वही सच शिवाय सिंह ओबेरॉय ने खुद अपने मुंह से कबूल कर दिया, और वो भी एक वीडियो में। जस्ट इमेजिन, हाँ अगर मैंने ये वीडियो अपने न्यूज चैनल में भेज दिया तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी? द ग्रेट शिवाय सिंह ओबेरॉय, जिसे अपने नाम, खून, खानदान पर इतना घमंड, वो एक खूनी का बेटा है। उसकी मां ने उसके बाप का खून कर दिया था। इस बार नहीं मिस्टर ओबेरॉय, इस बार मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्या चाहिए तुझे? इसे ही साबित हो जाएगा कि दक्ष इंडिया एक दिन पहले आया था और रजन पायल के घर पे वही था। जैसे ही दक्ष का ये झूठ शिवाय के सामने आएगा, वो बाकी सारे झूठ भी पकड़ लेंगे और ये शादी तोड़ देंगे। भैया थोड़ा जल्दी चलाइएगा प्लीज। ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। कीमत बोल। किस चीज की कीमत मिस्टर ओबेरॉय? इस वीडियो की या आपके खानदान की इज्जत की, जो फिलहाल मेरे हाथ में है। मैं पिछली बार की मुलाकात भूला नहीं हूं मिस्टर ओबेरॉय। बहुत हो गया, पता चाहिए क्या तुझे? क्या हुआ शिवा, एनी प्रॉब्लम? नहीं दक्ष, कुछ कुछ नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट कर लूंगा। क्या बात कर रहा है शिवाय, अब मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं। अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, सो इट्स ओके, जस्ट टेल मी। बता दीजिए मिस्टर ओबेरॉय, ये बात बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। शट अप! इस बार आप मुझे शट अप नहीं कर सकते मिस्टर ओबेरॉय, एंड ऑल थैंक्स टू द पर्सन जिसने मुझे ये वीडियो भेजा। किसने भेजा है वीडियो? किस वीडियो की बात कर रहे हो तुम लोग? क्या की वीडियो किसने भेजा है? उस लड़के, आई गेस उसका नाम अनिका है, राइट? What? Are you sure? I'm sure. अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो
आप उसका फोन चेक कर सकते हैं। ये वीडियो उसी के फोन से शूट हुआ है और उसी ने मुझे भेजा है, और इसके लिए उसे एक बहुत अच्छी और भारी कीमत भी मिली है। नथिंग कम्स फॉर फ्री इन इंडिया। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा और तुम्हें शिवाय को यह कहना है कि वो वीडियो तुम्हें आने गाने भेजा, समझ गए? फिक्र मत करो। Yes, leave it. Good. Don't worry. दीजिए फोन। मैं यार रोज रोज सारी दुनिया से झूठ बोलता है आपकी मौत के सच के बारे में। Oh my God. शिवाय, इस लड़की ने तुम्हें जानबूझकर शराब पिलाई ताकि वो तुम्हारे ड्रंक स्टेट का फायदा उठा के ये वीडियो बना सके। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तो मैं वीडियो बनाकर अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ। आपको भी ट्राई करना चाहिए, कीजिए, मजा आएगा। अरे मैं कैसे? कीजिए कीजिए। और शिवाय, ये वीडियो अगर प्रियंका ने देखी, नहीं, प्रियंका ये वीडियो नहीं देखेगी। तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये वीडियो लीक नहीं होना चाहिए। आई बेग यू मिस्टर त्यागी, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है और ये सदमा मेरी होने वाली पत्नी तो सह नहीं पाएगी। एक हफ्ते में हमारी शादी है, प्लीज ये वीडियो मत लीक करना। अगर ये वीडियो लीक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाए। मिस्टर त्यागी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। प्लीज 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 मेरे पैर मत पड़ो, प्लीज मेरे पैर मत पड़ो। यही बात अगर मिस्टर ओबेरॉय मुझसे कहते तो मैं शायद नहीं मानता, पर पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत जेन्युइन लगते हो। और ये भी सही कि मेरी दुश्मनी मिस्टर ओबेरॉय के साथ, उनकी बहन के साथ, तो फिर मैं तुम्हारे और इनकी बहन की खुशियों के बीच में क्यों आऊं? ठीक है, मैं ये वीडियो लीक नहीं करूंगा। थैंक यू मिस्टर त्यागी, थैंक यू। इनफैक्ट मैं ये वीडियो अभी ही डिलीट कर देता हूं, राइट अवे। हो गया, ये एहसान हमेशा याद रखिएगा, और फ्यूचर में कभी भी सुनील त्यागी के साथ पंगा मत लीजिएगा, मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय। कांड बिलीव आने का नहीं ऐसा क्या? लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई शिवाय, क्योंकि वो लड़की है ही ऐसी। वो उन लड़कियों में से है जो पैसों के लिए कोई भी हद तक गिर सकती है। मुझे बोलते हुए बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि उस लड़की ने मुझे भी पटाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ यार, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, न जाने कितने ड्रामे किए उसने मेरी सिंपति के लिए। चप्पल टूटना, फोन टूटना, बेबस होके रोना धोना, बड़ी बड़ी बातें करके मुझे इंप्रेस करना, और ये सब इज्जत, गैरत, खुदगर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। उसने पूरी कोशिश की कि वो मेरी हमदर्दी पाके, मुझे अपने जाल में फंसा सके। शिवाय, तू तो जानता है कि मेरे लिए प्रियंका की खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। बस वो ही एक वजह थी, सिर्फ प्रियंका की खुशी के लिए मैं चुप रहा और उस लड़की को मैं इग्नोर करता रहा। वो लड़की जैसी दिखती है ना शिवाय, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। नो, एंड आई होप कि उसने ये सब हथकंडे तुम्हारे ऊपर नहीं आजमाया, बिकॉज तुम भी पैसे वाले, यू आर रिच मैन, और ऐसी लड़कियां ना जहां पैसा देखती है वहां पे शुरू।
कल तक झोपड़ी में रहती थी, आज इस ओबेरॉय मैंशन में घूमती है। जाहिर सी बात है कि महलों में रहने के सपने तो देखती ही होगी, और इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूं शिवाय, क्योंकि उसकी दाल तो यहां पर नहीं गली। तो अब वो पूरी कोशिश करेगी तुम्हें पटाने की, ट्रस्ट मी, क्योंकि उसके खून में ही गंदगी है। और मुझे ये बात बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि उसकी मां भी किसी की मिस्ट्रेस है। हाँ शिवाय, और खून तो खून होता है शिवाय, जैसी मां वैसी बेटी। इसलिए मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम ओमरू को भी सावधान कर दो, क्योंकि ऐसी लड़कियां किसी भी हद तक गिर सकती है शिवाय। अब देखना, तेरा इतना पर्सनल वीडियो उसने त्यागी को दे दिया। खन्ना भैया, आपने शिवाय को कहीं देखा है? मैं उनके कमरे में गई थी, वो वहां नहीं थे, तो किधर है? सर स्टडी में। ठीक है शिवाय, ये देखिए, ये पेपर्स मैं साउथ एशियाटिक एयरलाइंस के ऑफिस से लेकर आई। इनमें दक्ष की इंडिया की फ्लाइट की सारी डिटेल्स हैं। इससे साबित होता है कि दक्ष इंडिया एक दिन पहले आया था। वो एक नंबर का फ्रॉड है और प्रियंका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर मुझे तो लगता है उसका चक्कर पायल के साथ चल रहा है। मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको सबूत मिल जाएगा। वो उन लड़कियों में से है जो पैसों के लिए कोई भी हद तक गिर सकती है। उस लड़की ने मुझे भी पटाने की पूरी कोशिश की थी। उसकी माँ भी किसी की मिस्ट्रेस है, और खून तो खून होता है शिवाय, जैसी माँ वैसी बेटी। अब तो आपको मुझ पे यकीन हो गया। यकीन तुम पर? मतलब तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। गलती मेरी है क्योंकि मैं तुम्हें बार बार मौके देता रहा, कभी अपनी बहन के खातिर और कभी अपनी, क्योंकि मैं तुम्हें, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। तू मेरी बहन की शादी तुड़वाने पर तुली रही, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें जॉब से नहीं निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तुम्हें मेरी बहन की फिक्र है। मैं गलत था, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रही थी। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सच बोल रहा हूं मैं। बहुत देर बाद ये सच मुझे समझ आया है, तुम्हारी सच्चाई। इस भोले भाले चेहरे के पीछे जो शातिर लड़की छुपी हुई है ना, जो चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेच सकती। मैंने किया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? कर मानो जो तुमने किया है, उसके बाद मुझसे बोल रहा हूं, क्योंकि शिवाय सिंह ओबेरॉय औरत पर हाथ नहीं उठाता। चली जाओ यहां से, इस घर से, हमारी जिंदगी से जाओ। शिवाय, मैंने कहा निकलो। मुझे नहीं समझ, आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। शिवाय मुझे, शिवाय बताइए तो हुआ क्या? कम से कम मेरी गलतियां तो बताइए शिवाय। क्या हुआ शिवाय? हुआ क्या? नहीं अनिका, तुम इन सब में मत पड़ो। बट ये उन दोनों के बीच का मामला है शिवाय। मैंने ऐसे शिवाय, मैंने किया क्या शिवाय? भैया को क्या हुआ? इतने क्यों बढ़ते हुए? जो आज के बाद तुमने इस घर में पैर भी रखा, अगर दोबारा तुम मुझे इस घर में दिखी या मेरी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।